दफ्तर के बाहर हमलावरों ने उन्हें गोली मारी, जिसके बाद की उनकी हत्या हो गई। महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में उनका नाम शामिल था, जहां पर 3 आरोपियों में से 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में है और तीसरा अभी फिलहाल फरार है। बता दें अभी तक की बड़ी खबर, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या हो चुकी है और यहां पर इसी के चलते जो अभिनेता है सलमान खान, क्योंकि उन्हें भी काफी दिनों से थ्रेट्स यहां पर देखने को मिल रहे थे, उनके साथ साथ भी उनके घर के आसपास की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। बता दें कि राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा है कि महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है। अभिनेता सलमान खान के आवास पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, जहां पर कि सलमान खान का घर है, उनका फ्लैट है, वहां पर भी जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है। बता दें कि शिंदे सरकार पर राहुल गांधी ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा चुकी है। उन्होंने यहाँ पर एक्स पर पोस्ट कर क्या कुछ कहा है आपको बता दें। उन्होंने कहा है कि बाबा सिद्दीकी जी की जो दुखद यहाँ पर निधन हुआ है, उसको चौंकाने वाला और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। ये जो घटना है वो महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से सामने रखता है और ध्वस्त होने को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। आपको बता दें तमाम बातें राहुल गांधी ने यहाँ पर एक्स पर पोस्ट कर साझा किया है। उन्होंने ट्वीट किया है साफ तौर से जो यहाँ पर महाराष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ रहे हैं उस पर बात की है। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री बाबा सिद्दीकी का दुखद निधन शब्दों के परे है और ये सदमा शब्दों के परे है। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए और वर्तमान महाराष्ट्र सरकार को गहन और पारदर्शी जांच का आदेश देना चाहिए। दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, जवाबदेही जो है वो सर्वोपरि है। ये तमाम चीजें यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कही हैं। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की पुलिस पर और महाराष्ट्र का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, सरकार है, उन पर बड़े यहाँ पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। शीतल बिल्कुल, पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बारे में सुनकर मैं शब्दों से परे सदमे में हूं। मैं उनसे पहली बार 1999 में श्री सुनील दत्त के साथ मिला था। उनका जाना एक व्यक्तिगत क्षति है, ये पवन खेड़ा ने कहा है। यानी कुल मिलाकर व्यक्तिगत संवेदनाएं तो जाहिर हो रही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अजीत पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र से, एनसीपी नेता पूर्व राज्य मंत्री मेरे साथी बाबा सिद्दीकी जो लंबे समय से विधानमंडल में है, उन पर गोली चलाने की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और दर्दनाक है। मुझे यह जानकर झटका लगा कि इस घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। मैंने अपना अच्छा साथी दोस्त खो दिया है। मैं इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं बाबा सिद्दीकी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। घटना की पूरी जांच की जाएगी और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमले के पीछे के मास्टरमाइंड का भी पता लगाया जाएगा। बाबा सिद्दीकी के निधन से हमने एक अच्छा नेता खो दिया है और साथ ही साथ उन्होंने अपना दोस्त खो दिया है, ये भी उन्होंने कहा है। अजीत पवार जो इस वक्त डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के हैं, उन्हीं के गुट से ही नेता भी हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या और उनकी इस हत्या से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, इस घटना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताएंगे। मुंबई में एनसीपी नेता की हत्या हुई, बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के सामने उनकी हत्या कर दी गई और जब वो ऑफिस से बाहर आए तो हत्या कर दी गई। रात 9:30 बजे अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकले थे, उनका विधायक बेटा जो है वो विधायक है और उनके ऑफिस से निकले थे। कार से 3 शूटर बाहर आए और फायरिंग की और ताबड़तोड़ फायरिंग की। 3 आरोपियों ने ऑफिस के सामने 3 गोलियां मारी, 3 राउंड फायरिंग की और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। 2 गोलियां उनके पेट और 1 सीने पर लगी। आपको बता दें कि बड़ा मामला महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर बाबा सिद्दीकी की हत्या हो चुकी है। 3 आरोपियों ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था और इन 3 आरोपियों में से 2 को धर दबोचा गया है, 2 पुलिस की हिरासत में है। बाबा को यहां पर लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर कि उन्होंने दम तोड़ दिया है। बता दें कि कपूर हॉस्पिटल में अभी उनका पोस्टमार्टम जारी है। डॉक्टरों ने रात 11:27 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया, जहां पर कि बाबा पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 1 शूटर यहां पर गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। हमले के वक्त स्ट्रीट लाइटें बंद थी, सीसीटीवी भी यहां पर गायब थे। यानी कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सोची समझी
साजिश के तहत यहां पर बाबा सिद्दीकी पर हमला किया गया। हमलावरों के पास से 9.9 mm की यहां पर जो पिस्टल है वो यहां पर बरामद की गई है, जिसके तहत आपको बता दें कि दो जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया गया। 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी बाबा सिद्दीकी को मिली थी, जिसके बाद की 15 दिन के बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ और 11:27 पर उन्हें डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया। बता दें कि वाई लेवल की सुरक्षा भी उन्हें मिली थी, लेकिन उस समय वो सुरक्षा के जो यहाँ पर लोग थे, जो उनके बाउंसर्स थे या फिर जो पुलिसकर्मी उनके साथ होते थे, वो उनके साथ मौजूद नहीं थे और ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर उन पर गोली मारी गई है, उनकी हत्या की गई है। क्योंकि जिस तरीके से हमने बताया कि स्ट्रीट लाइटें उस समय बंद कर दी गई थी, CCTV जो है वो काम नहीं कर रहे थे और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग है उसके शामिल होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो काफी एक्टिवली नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ सलमान खान को भी लाइफ थ्रेट जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल सही कहा, और अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि जो दो वहां पर आरोपी पकड़े हैं उन्होंने दावा किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से संबंध रखते हैं, ये जांच के बाद ही पता लगेगा। अभी किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से वहां पर पहुंचे। सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि उनको लिए भी कई सारी थ्रेट्स पिछले कई महीनों से उनको मिल रही हैं लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से। तो ये मामला गंभीर है और इसके साथ साथ अब विपक्ष की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशंस को लेकर। आखिर महाराष्ट्र के अंदर ये क्या हुआ है? एक बड़े नेता को मौत के घाट उतार दिया, तीन आरोपी पहुंचे, दो को पकड़ा गया, एक फरार है, लेकिन मुंबई पुलिस और कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में। हालांकि जांच पड़ताल शुरू कर दी है इस पूरे मामले में। अब देखना होगा कि ये जांच किस दिशा में जाएगी, जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या वाकई में बिश्नोई गैंग से ये हत्या संबंधित हत्या है या फिर कोई और है। ये जब कोई जिम्मेदारी लेगा या जब पुलिस आगे बढ़ेगी इस जांच में, उसमें पता लगेगा। अभी फिलहाल उनका पोस्टमार्टम भी हो रहा है और हत्याकांड की जांच भी जारी है। जिस तरह से अजीत पवार ने कहा है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सिद्दीकी याच्यावर गोळीबार झाला, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि त्या संदर्भात मी डॉक्टरांच्या अगोदर बोललो होतो आणि पोलीस आयुक्तांशी बोललो। त्यामध्ये दोन आरोपी अरेस्ट आहेत, एक UP चा आहे, एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये, गँगवार वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, याच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे, कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत। आणि पोलिसांची कायदा सुव्यवस्था राखण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं नाव आहे आणि त्यामुळे या आरोपीला तात्काळ पकडतील आणि त्याच्यावर कडक कारवाई करतील। तिन्ही लोक जे आहेत यांच्यावर, बाबा सिद्दीकी यांच्यावर जो हल्ला केलेला आहे, या हल्ल्यासंदर्भात तात्काळ यांच्यावर कठोर कारवाई होईल आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मी दिले। इट इज अनबिलीवेबल द न्यूज दॅट बाबा सिद्दीकी इज नो मोर अँड ही वॉज किल्ड, कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ माय फ्रेंड बाबा सिद्दीकी, नोन हिम फॉर 3 decades। जस्ट नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रीफ एंड माय शॉक, एंड इट्स हैपन इन द heart of Mumbai city, that too to a high profile politician. Huge question mark on the law and order of Mumbai. Shocking. I pray to God to give him peace and to give the strength required to the family, to Zeeshan. तो आपने सुना विपक्षी नेता किस तरह से सरकार पर हमला कर रहे हैं। फिलहाल हकीम देशमुख इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हकीम, अब समय गुजर रहा है और जांच भी आगे बढ़ रही है, कहां तक ये जांच पहुंची और अभी तक जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? प्रारंभिक जांच की अगर हम बात कहीं ना कहीं जो तीनों शूटर थे इनका नाम जो है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जो है वो जोड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं कि पहले ही एडवांस लेकर के जो है ये लोगों ने जो है ये हत्या की है,
दो महीने से लगातार ये रेकी कर रहे थे बाबा सिद्दीकी के घर पर, उनके दफ्तर के पास जो है ये पूरे तरीके से जो है रेकी में नजर भी आए थे। और जिस तरीके से अब जो अपडेट हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो दो आरोपी पकड़े गए हैं पुलिस द्वारा, क्राइम ब्रांच द्वारा, तो उनको 1 बजे जो है शीतल किला कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। और साथ ही साथ मुंबई की एक स्पेशल टीम, माफ कीजिएगा, दिल्ली की एक स्पेशल टीम मुंबई के लिए रवाना हो रही है, जो कि बाबा सिद्दीकी की मौत की जांच करेगी और क्राइम ब्रांच से सारे जो सबूत उन्होंने इकट्ठा किए हैं या फिर जो जानकारी इकट्ठा की है उसके तर्ज पर जो है आगे की जो जांच है दिल्ली पुलिस भी या फिर दिल्ली से जो स्पेशल स्क्वाड आ रहा है वो ये जांच करेगी। जी बिल्कुल हकीम, देखिए जिन दो लोगों ने बताया है जो गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने बताया है कि हम जो लॉरेंस बिश्नोई है उनकी गैंग से संबंधित हैं। क्या इसकी कोई पुष्टि हुई है पुलिस की तरफ से या किसी ने हमले की जिम्मेदारी ली है? अभी तक तो शूटर बता रहा है। शीतल, हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन जिस तरीके से सूत्रों की बात माने तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से ये दोनों आरोपी थे ये कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर से जो है वो जेल में मिले थे और वहां से ये प्लान की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा ये हत्या करवाई गई, इस तरीके की खबरें, इस तरीके की बात जो है ये सूत्रों के द्वारा बाहर आ रही है। और जिस तरीके से पुलिस की बात करें तो कई पुलिस का इतना ही कहना है कि कई अलग अलग खुलासे जो हो रहे हैं लेकिन वो किसी भी तरीके से अभी बात करने के मूड में नहीं है। 1 बजे जो है किला कोर्ट में आरोपियों को जो है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है शाम के समय में पुलिस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के जो है कोई बात जो है प्रेस के साथ करे। साथ ही साथ 8:30 बजे के करीब जो है कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी को सुपुर्द खाक कुर्ला के बड़े कब्रस्तान में किया जाएगा। हकीम, जानना चाहूंगी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिनमें से 2 को पकड़ा गया है, 1 की तलाश जारी है, ये तीनों जो आरोपी हैं ये यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते थे, इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ पर गैलेक्सी अपार्टमेंट जो है जहाँ पर सलमान खान रहते हैं, जहाँ पर उनकी फैमिली रहती है, उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई गई है। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए प्रियंका, जिस तरीके से सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के जो संबंध रहे हैं काफी घरेलू संबंध, दोस्ताने के संबंध रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सलमान खान के साथ जो है वो रॉलेंस बिश्नोई की जिस तरीके से दुश्मनी थी और बाबा सिद्दीकी उनके दो अच्छे दोस्त थे, भले बुरे समय में जो है वो सलमान खान के लिए जो है वो खड़े हो जाते थे और इसी के तर्ज पर जो है कहा ये भी जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल किया गया है। लेकिन अब सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की जो सुरक्षा है वो 2 गुना बढ़ा दी गई है, बड़े पैमाने पर पुलिस बल जो है वो वहां पर जो है वो लगे हैं और सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक ना हो इसके लिए खास तरीके से जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल हकीम, देखिए ये कहा जा रहा है कि जो सलमान खान का दोस्त है वो लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन बन रहा है, जो भी उनके करीब आता है उस पर लॉरेंस बिश्नोई की पूरी नजर बनी रहती है, तो इस पूरे मामले को गंभीरता से क्यों नहीं देखा जा रहा है? देखिए जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का जो कहीं ना कहीं उसे आतंक है या खौफ है मुंबई पर लगातार दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद भी जो है वो उसके खिलाफ अब पुलिस के खिलाफ सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से घटनाएं बार बार होती है तो पुलिस क्या करती है? 2-2 महीने पहले आकर के जो है वो आरोपी रेकी करते हैं, उन पर नजर क्यों नहीं बनाई जाती? और जिस तरीके से वाई ग्रेड की सुरक्षा बाबा सिद्दीकी को दी गई थी तो उस सुरक्षा को भेज कर भी किस तरीके से आरोपी वहां पर पहुंचे? अगर पुलिस वाई सुरक्षा दी गई थी तो फिर उनके साथ जवान तैनात क्यों नहीं थे? कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ ये कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र की में भी इसकी सियासत है ये देखने को मिलेगी, लेकिन एक बड़ा लीडर, बड़ा नेता जो है ये दुनिया से चला गया, उसकी हत्या हो गई और लॉ एंड ऑर्डर का जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में धज्जियां उड़ती नजर आ रही तो कहीं ना कहीं अब सरकार भी जो है सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, सरकार भी सवालों के घेरे में है, लेकिन अगला क्या कदम होगा वो भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हकीम तमाम जानकारी के लिए। ये बेहद ही बड़ा मामला महाराष्ट्र से सामने आया है जहां पर बाबा सिद्दीकी
जो एनसीपी के नेता थे उनकी हत्या कर दी गई है। और इस हत्या के बाद अब पुलिस पर, सरकार पर, कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरह यहाँ पर कानून व्यवस्था है। धमकियाँ मिलने के बाद भी, सुरक्षा देने के बाद भी यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिन लोगों के साथ कोई सुरक्षा नहीं है तो वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। अब जरा आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर तक आपको पहुंचाएंगे। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश में, बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और लगातार बदमाशों को धर दबोचा जा रहा है। बुलंदशहर में 1.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में इनामी बदमाश ढेर कर दिया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जितने भी बदमाश है उनका सफाया किया जा रहा है, उनको चुन चुनकर मारा जा रहा है, एनकाउंटर में उन्हें ढेर किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर पिछले कुछ सालों से काम कर रही है और उसी नीति के तहत उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं या जो इस तरह के कृत्यों में सामने आते हैं उनको चुन चुनकर मारा जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों की अब खैर नहीं है और योगी सरकार जो है, योगी प्रशासन, तमाम जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज है, उत्तर प्रदेश की पुलिस एकजुट होकर काम कर रही है और बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। लूट की बात करें, डकैती के मामलों की बात करें या फिर अन्य जितने भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज या फिर जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जो लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और पुलिस अब एक्शन मोड में आ चुकी है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो उत्तर प्रदेश की सरकार अपना चुकी है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर तमाम जो बदमाश हैं, जो भी एंटी नेशनलिस्ट या फिर इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है और एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देशन पर ये सभी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पुलिस के साथ मुठभेड़े लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि काफी ज्यादा क्राइम रेट है, लेकिन उसी के बीच क्या कुछ कहना है अधिकारियों का, आप ये सुनिए। प्रातः कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक इनामिया बदमाश की सूचना पर हमारी टीमें चेकिंग कर रही थी, जिसको जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें कि एसएचओ आहार और एक कांस्टेबल, ये दोनों जख्मी हुए। आत्मरक्षात कार्रवाई के दौरान उस बदमाश के गोली लगी और उसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे रेफर किया गया था बट उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई है। जानकारी करने पर यह पता चला कि इसका नाम राजेश है और इस पे 50 से अधिक मुकदमे हैं। इस पे 1 लाख का इनाम जनपद बुलंदशहर से और 50,000 का इनाम जनपद अलीगढ़ से हो रखा है। इस कार्रवाई में एसओजी प्रभारी जो राहुल हैं उनके भी बीपी जैकेट पे और सीओ अनूप शहर के बीपी जैकेट पे गोली लगी है। हालांकि उनको कोई चोट नहीं है, फिर भी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। जो घायल पुलिस कर्मी है वो इलाजरत है, उनकी स्थिति अभी सामान्य है बट अंडर ऑब्जर्वेशन है। ये जो 1.5 लाख का इनाम है, 1 लाख का बुलंदशहर से और 50,000 का अलीगढ़ से और 50 मुकदमे हैं। इसके अतिरिक्त इसके साथियों की जानकारी की जा रही है और इस पे अन्य भी मुकदमे पंजीकृत हो सकते हैं, जिसके संबंध में हम लोग आसपास के जिलों से जानकारी कर रहे हैं। ये जो इनामी अपराधी था इस पे लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर जैसे संगीन धाराओं में। तो आपने सुना पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं और जो बदमाश होगा उसे तुरंत उसकी अच्छी असली जगह पर पहुंचाया जाएगा, यही कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवेंद्र जुड़ चुके हैं, बुलंदशहर से लाइव हैं इस वक्त हमारे साथ। प्रवेंद्र, पूरी घटना बताइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब उन लोगों की जगह नहीं रही जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, जो समाज में इस तरह की कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, उसको तुरंत जो है वो उनकी जगह तक पहुँचाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जो मुठभेड़ देखने को मिली है पुलिस से, जिसमें जो 1.5 लाख का जो इनामी बदमाश था, बुलंदशहर पुलिस ने उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया है और कहीं ना कहीं उस बदमाश के ऊपर 50 से अधिक जो संगीन मुकदमे भी दर्ज थे और वो जयराम की दुनिया में कदम रख चुका था और साथ ही साथ जो जघन्य अपराध है उन्होंने कार्य करता था, साथ ही साथ उसको जो लूट डकैती जैसी तमाम हत्या के प्रयास जैसे जो 50 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था। जो राजेश जाटव है इसको आज पुलिस ने, जो पुलिस चेकिंग कर रही थी तो रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने इसने जैसे अपने आप को पुलिस से गिरता देखा तो पुलिस पार्टी के ऊपर जो है फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें से जो
दो गोली है, वो एक जो इंस्पेक्टर है पुलिस के उनके और एक सिपाही है, वो भी गोली लगने से बदमाश की गोली से घायल हुए हैं। साथ ही साथ जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी जो बदमाश को गोली मारी, जिसमें बदमाश है राजेश जाटव, उसकी जो है मौत हो गई है। हालांकि इस पुलिस इस पूरे मामले को लेकर काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। SSP बुलंदशहर श्लोक कुमार सिंह ने बताया है कि जो बदमाश है मृतक बदमाश राजेश जाटव, इसके ऊपर जो है 1,00,000 का बदमाश 1,00,000 का जो इनाम था वो बुलंदशहर पुलिस ने घोषित किया था, और साथ ही साथ 50,000 रुपये का इनाम इस पर अलीगढ़ से घोषित था। तो कहीं ना कहीं ये अपनी गैंग को बढ़िया तरीके से चला रहे थे, और इसमें गैंग में करीब 1 दर्जन से अधिक जो बदमाश है वो भी बताए जा रहे हैं, और पुलिस हालांकि सभी बदमाशों को चिन्हित कर रही है। मैं इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद हूँ, यहीं पर वो बदमाश जो अपने साथियों के साथ जो किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था, जहां पर ये इस पूरे ऑपरेशन को पुलिस ने अंजाम दिया। आप देख सकते हैं कि यहीं पर वो अपना बदमाश इधर से वो भाग रहा था, और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर से भागने का उसने प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की गोली उससे वो बच नहीं सका और वो मुठभेड़ में ढेर हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर जो यहाँ जो CO अनुप सैर हैं, गिरजा शंकर त्रिपाठी, उस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। हालांकि इसमें जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं वो खतरे से बाहर हैं और सभी का उपचार जो चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में जो एक साथी है बदमाश का वो मौके का फायदा उठाकर वो भाग गया। हालांकि पुलिस उसको जल्द गिरफ्तार करने का दम भर रही है। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, योगी सरकार कुछ इस तरीके का काम कर रही है, जितने भी इलीगल एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, आने वाले वक्त में किस तरीके से इस सभी चीजों से ग्राउंड लेवल पर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में काफी हाई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रशासन और सिक्योरिटी एजेंसी कड़े कदम उठाती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ जो अपराध लगातार जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देश देते नजर आते हैं, साथ ही साथ सख्त कार्रवाई की बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ बुलंदशहर में जो अपराधियों के खिलाफ जो पुलिस ने लगातार जंग छेड़ी है और जो ऑपरेशन लगातार यहाँ जारी है, कल भी यहाँ पर जो मुठभेड़ देखने को मिली थी बुलंदशहर में, आए दिन मुठभेड़ देखने को मिलते, तो कहीं ना कहीं जो सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ उनके जो मसूबे हैं उनके मसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बुलंदशहर पुलिस लगातार तत्पर दिखाई देती है। इसका नतीजा यही है कि आए दिन बुलंदशहर में जो मुठभेड़ जो देखने को मिलती है। जी रविंद्र, ये साफ है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध की कोई जगह नहीं, जो भी अपराधी अपराध करेगा उसको तुरंत या तो मुठभेड़ में मार गिराया जाएगा या कुछ न कुछ उसको असली उसकी जगह जो है उस तक पहुंचाया जाएगा, अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, और यही सरकार भी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों में वो सबक क्यों नहीं जा रहा है, वो संदेश क्यों नहीं जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए 2.0 की जो सरकार द्वारा बनने के बाद में CM योगी आदित्यनाथ ने सख्त तो साफ तौर पर ये कहा था कि जो बदमाश है या तो उत्तर प्रदेश को अपना छोड़ जाए या फिर अपना कहीं ठिकाना और बना ले, उत्तर प्रदेश में बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है। बावजूद उसके भी जो लगातार जो इस तरीके की जो घटनाएं देखने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान है वो पुलिस विभाग पर उठते हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो अधिकारी गंभीर नजर आ रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं जो इस तरीके के जो अपराधी हैं उनको ढेर भी किया जा रहा है, और क्राइम कंट्रोल करने के लिए लगातार जो पुलिस है प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हमने देखा कि इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती है, कभी बुलडोजर का सहारा लिया जाता है, कभी संपत्तियों को अटैच किया जाता है, इस तरीके की जो घटनाएं पेश आ रही है, इस तरीके के जो कड़े कदम यहाँ पर प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ लगता है और कौन से कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि एक तरफ जहां पर प्रशासन काम कर रही है वहीं पर दूसरी तरफ क्राइम रेट भी बढ़ता नजर आ रहा है, तो क्या कुछ लगता है आपको और कौन से ठोस कदम उठाने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में? शीतल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो क्राइम कंट्रोल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो बदमाश उनके मंसूबे बड़े कामयाब होते नजर आ रहे हैं, तमाम इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन ऐसे में तमाम ये सोच विचार जो सरकार भी कर रही है कि आखिर किस तरीके से जो क्राइम कंट्रोल है क्राइम को जो कंट्रोल किया जा सके, लेकिन बावजूद उसके अभी तक कहीं ना कहीं वो सफलता जो उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इस पर विचार विमर्श भी किया जा रा है कि आखिर किस तरीके से जो क्राइम को कंट्रोल किया जा सके, साथ ही साथ जो इस तरीके के लोग हैं तमाम, हालांकि जो बुलडोजर नीति अपनाई यहाँ पर, लेकिन उस पर भी कोर्ट का दखल मिलने के बाद में लगातार जो इस तरीके के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो मिला है लिप, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो इस तरीके की घटनाएं हैं उन पर कंट्रोल अभी भी मैं समझता हूं कि सरकार को और जो सख्त जो कार्रवाई करने की जरूरत है। ठीक है प्रवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। प्रवेंद्र जानकारी साझा कर रहे थे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधी अपराध कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है, और इसी तरह का एक इनामी बदमाश। खबर के हवाले से आपको जानकारी दे दे, अगली खबर जो है उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है,
उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा देखने को मिलेगी। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में भाग लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। यानी कि बीजेपी की जानिब से यहां पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को लेकर यहां पर दिल्ली में बैठक होगी, क्योंकि बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं और दोनों डिप्यूटी सीएम को दिल्ली में बुलाया गया है, उन्हें आमंत्रित किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ ब्रजेश पाठक आज दिल्ली प्रस्थान करेंगे और वहां पर बीजेपी की आला कमान, जो हाई कमान है, उनके साथ बैठक की जाएगी। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। यानी कुल मिलाकर सभी बड़े नेता जो है वो यहां पर इस बैठक में शामिल होंगे और उपचुनाव की रणनीति को निर्धारित किया जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी के जनाधार लगातार घटता नजर आ रहा है। किस तरीके से इसको कॉम्पनसेट किया जाएगा, किस तरीके से इस जनाधार को वापस से उस लेवल पर लाने की कोशिश की जाएगी, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा इस बैठक में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, सबसे अहम है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद होंगे। जो तरजीह उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले नहीं दी जा रही थी, उसको यहां पर रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और हाईकमान, खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह लगातार उत्तर प्रदेश के इन उपचुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर ये उपचुनाव होने हैं, विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, और उनको जीतना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी यहां पर जो है बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। क्योंकि अभी अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है, वो मॉरल बूस्टर के तौर पर भी काम करेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। कमलेश इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्वाइन हो चुके हैं, ताबिश है, माफ कीजिए ताबिश, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों पर ये उपचुनाव होंगे, लेकिन इसका मंथन दिल्ली में हो रहा है। यानी हाईकमान भी चिंतित है, 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। यानी साफ तौर पर ये ज्ञात हो गया है हाईकमान को कि जो नुकसान हमें लोकसभा के चुनाव में हुआ है, उस नुकसान की भरपाई हम इन उपचुनाव से कर सकते हैं, उस जो जख्म वहां पर दिए गए हैं, उन जख्मों की भरपाई हम यहां से कर सकते हैं। बिल्कुल शीतल, देखिए चूंकि दिल्ली में आज बहुत बड़ी एक अहम बैठक है, एक अहम मंथन है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में बीजेपी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने जो तमाम यूपी के सीनियर लीडर्स हैं उनको दिल्ली बुला रखा है। देखिए 10 विधानसभा चुनाव में होने हैं, उपचुनाव होने हैं, चूंकि ये सीटें खाली हुई हैं हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद में, और 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 3 बीजेपी और 1 लोकदल का कब्जा रहा है। तो ऐसे में अब पार्टी एक रणनीति बना के चल रही है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से नतीजे आए हैं वो बीजेपी के अनुकूल नहीं, भारतीय जनता पार्टी वो जो नतीजे हैं उनसे वो मान करके नहीं चल रही थी। पार्टी बहुत ज्यादा हतोत्साहित थी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पास है, अलग अलग थे कि पार्टी बहुत एक्साइटेड 80 के 80 लोकसभा सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन जितनी तरह की उम्मीद जताई जा रही थी वो उम्मीद पूरी, और अब ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर के इसका इसको पार्टी कहीं ना कहीं इस्लामिक स्थानीय के तौर पर देख रही है। अब बहुत महत्वपूर्ण है कि विधानसभा चुनाव की इन सीटों को किस तरह से लड़ा जाए और किस तरह से इन 10 सीटों पर काम किया जाए, और इन 10 सीटों को लेकर के पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। बहुत बड़ी बात है विधानसभा चुनाव बिल्कुल ताबिश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी काफी सक्रिय रूप से सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर में भी जनाधार कहीं ना कहीं बड़ा है, हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, और उत्तर प्रदेश में अब बाय इलेक्शंस होने वाली है, 10 सीटों पर होगी, डबल इंजन की राजनीति क्या जीत दिला पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी क्षति हमने देखा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुई है। चलिए, फिलहाल फोन कट चुका है, ताबिश का संपर्क कट चुका है, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर अहम सवाल है कि उत्तर प्रदेश की अब इस रणनीति को कैसे डबल इंजन जो है यहाँ पर काम करेगा, और इस डबल इंजन के साथ क्या इस गाड़ी की रफ्तार और तेज होगी, या इस गाड़ी की ग्रीस में कमी देखने को मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सुनहरा मौका बीजेपी के पास इन 10 सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पर उन सीटों में से ज्यादातर सीटें जीती जाएं। फिलहाल एक और बड़ी खबर इस वक्त, गाजियाबाद के डसना मंदिर में महापंचायत आज होने वाली है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जहां पर मंदिर महंत की सुरक्षा को लेकर आज महापंचायत होगी। यति नरसिंहानंद की रिहाई के मुद्दे पर भी निर्णय लिया जाएगा, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात होगा, क्योंकि सुरक्षा का मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है, खास तौर पर मंदिरों की सुरक्षा, पुजारियों की सुरक्षा, संतों की सुरक्षा, तो इसको लेकर यह महापंचायत होनी है, और इस महापंचायत में सुरक्षा को लेकर मंथन होगा। ये डासना मंदिर में ये आज महापंचायत होनी है, इस दौरान वहां पर
भारी पुलिस बल भी तैनात होगा, भारी मात्रा में सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे ताकि जो महापंचायत है वो वहां पर सौहार्द तरीके से पूर्ण हो, सकुशल और सुरक्षित ढंग से पूर्ण हो, ताकि इसमें कोई किसी भी तरह की हिंसा ना हो और आने वाले समय में मंदिरों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए। शिवपुरी, आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार कुछ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जहाँ पर की भारी पुलिस बल की तस्वीरें भी आप अपने स्क्रीन पर साफ तौर से देख सकते हैं। गाजियाबाद के डासना मंदिर में महापंचायत आज देखने को मिल रही है और सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो भी यहाँ पर तैनात की गई है और मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती साफ तौर से देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार कुछ इस तरीके की घटनाएं तमाम मंदिरों में और कुछ यहाँ पर बड़ी सभाओं में पेश आती नजर आ रही हैं, जहाँ पर कि लोगों को भारी नुकसान पहुँचता है, इसकी वजह से कि यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। यदि नरसिंह मंदिर में आज एक बड़ा समारोह होने वाला है, जिसके लिए कि यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, सभी सुरक्षा के इंतजाम, उसी के साथ साथ अन्य जो भी सुविधाएं श्रद्धालु तक पहुँचानी है, सभी चीजों को लेकर काम किया गया है। मंदिर महंत की सुरक्षा को लेकर आज महापंचायत देखने को मिलेगी और यति नर सिंहानंद की रिहाई के लिए को लेकर ये जो तमाम चीजें हैं उनका ऐलान यहाँ पर किया गया है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखने को मिल रही है। सही कहा, डासना मंदिर में महापंचायत होनी है, मंदिर महंत की सुरक्षा को लेकर आज ये महापंचायत होनी है, महत्वपूर्ण पंचायत है और यति नरसिम्हानंद की रिहाई के मुद्दे पर भी आज इस महापंचायत में निर्णय लिया जा सकता है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी महापंचायत में मौजूद रहेंगे, यानी विधायक भी इस महापंचायत में रहेंगे और इस महापंचायत के दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, कई लोगों के सुझाव लिए जाएंगे, उन सुझावों पर भी बातचीत होगी और उसके बाद आखिरी निष्कर्ष निकाला जाएगा, कॉन्क्लूजन आएगा और कॉन्क्लूजन में फैसला भी सामने रखा जाएगा कि आखिर मंदिरों की सुरक्षा को लेकर किस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि मंदिर में तोड़फोड़ हो या बाकी अन्य चीज़ें हो वो हम अक्सर देखते आ रहे हैं, जिससे आस्था पर चोट भी लगती है और उस आस्था को सुरक्षित कैसे रखा जाए, लोगों की आस्था को कैसे बनाए रखा जाए, उसके लिए लोगों से जुड़े आस्था के प्रतीक सभी चिन्हित चीज़ों को, जिसमें मंदिर हो, प्रतिमाएं हो, मूर्तियां हो या बाकी अन्य जहां पर लोग पूजते हैं, जहां पर पूजन अर्चन होता है या बाकी अन्य चीज़ें होती हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, जिससे आने वाले समय में कोई भी किसी प्रकार की घटना किसी पक्षों के बीच हो या किसी के बीच हो। फिलहाल नितिन राजपूत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर आ चुके हैं। नितिन, ये महापंचायत कितने महत्वपूर्ण है मंदिरों की सुरक्षा को लेकर, महंतों की सुरक्षा को लेकर? देखिए, गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद की हेट स्पीच के मामले में लगातार गाजियाबाद गरमाया हुआ है। ऐसे में आज 13 तारीख को महापंचायत रखी गई थी, जिसमें लोनी के विधायक आनंद किशोर गुर्जर अभी यहां पहुंच चुके हैं। पुलिस का बंदोबस्त काफी चाक चौबंद है, जहां पर किसी भी असामाजिक तत्व या महापंचायत में होने वाले लोगों को दाखिल नहीं दिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस महापंचायत के लिए पुलिस की तरफ से कोई परमिशन नहीं ली गई है और ना ही इसके लिए कोई उनको आदेश दिया गया है, तो इसीलिए ये महापंचायत अवैध है और पुलिस किसी भी तरीके से महापंचायत को होने नहीं दे रही है। और खुद क्षेत्र के विधायक नंदकिशोर गुर्जर लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि महापंचायत को होने नहीं देना तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की स्वतंत्रता को लेकर खतरा है। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस पर लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। खुद बीते दिनों में उनके लगातार एक के बाद एक बयान जारी हुए, जिसमें गाजियाबाद पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और बोल रहे हैं साफ तरीके से कि कोई भी व्यक्ति अगर महापंचायत में शामिल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म पर अपमान होगा। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस की चारों तरफ चाक चौबंद है, पुलिस की मौजूदगी है, बैरिकेडिंग की गई है, किसी भी तरीके से किसी भी लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है और डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद अभी इस वक्त कहाँ है ये किसी को नहीं पता और लगातार पूरे घटनाक्रम पर खुद गाजियाबाद पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार के डीजीपी निगाह बनाए हुए हैं लगातार। लेकिन नितिन, मौजूदा परिस्थितियाँ क्या बता रही हैं, मौजूदा हालात क्या बता रहे हैं? जी शीतल, सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, मौजूदा परिस्थितियां क्या हैं और क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए? मौजूदा परिस्थिति में गाजियाबाद के जो लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर डासना देवी डासना मंदिर की ओर प्रस्थान करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पुलिस ने उसको रोका है और खुद लगातार वो मीडिया कर्मी से इस बात बोल रहे हैं कि गाजियाबाद पुलिस कहीं ना कहीं हिंदुओं की आवाज दबा रही है। मैं सीधा अभी विधायक अभी बीजेपी
भाई मीडिया बाइट दे रहे हैं, मैं अभी तरह अभी देखिए उन्होंने साफ तौर पर गाजियाबाद पुलिस को तानाशाही रवैया को लेकर बात बोल रहे हैं। मीडिया में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि गाजियाबाद पुलिस सार इस तरीके से जो हिंदू और महात्माओं पर अपमान कर रही है वो बर्दाश्त नहीं होगा, और विधायक लगातार इस पूरे मामले को लेकर उससे अग्रसर है और लगातार गाजियाबाद के देवी डासना मंदिर पे वो प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार वो इस बात को कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंदुओं के विरोधी ये काम कर रही है गाजियाबाद पुलिस, तो कहीं ना कहीं ये अपने अपने सवालों के घेरे में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हासिल करने के लिए। जिस तरह से नितिन ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ सुरक्षा को लेकर बातचीत या फिर महापंचायत होने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस इस महापंचायत को करने नहीं दे रही। तो चलिए स्वागत है आप सबका इस छोटी से ब्रेक के बाद। अब सीधे आपको उधम सिंह नगर लिए चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एम्स का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। आप सीधी तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो आज उधम सिंह नगर पहुंचे हैं, क्योंकि एम्स का कंस्ट्रक्शन वर्क वहां पर चल रहा है। और उधम सिंह नगर के दौरे पर सीएम धामी पहुंचे हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ मौजूद है। अधिकारियों द्वारा उनका पुष्प गुच्छ यानी कि बुके देकर स्वागत किया जा रहा है और एम्स का यहां पर काम चल रहा है। निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण करने के लिए सीएम धामी पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार कंस्ट्रक्शन वर्क डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगातार यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। और इसी के चलते सीएम धामी क्योंकि लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन चुके हैं और तमाम जो भी काम पूरे उत्तराखंड में चल रहे हैं उनका निरीक्षण करने के लिए स्वयं वहां पर पहुंचते हैं। और आज निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण करने के लिए सीएम धामी खुद पहुंचे हैं। तमाम जो वहां पर काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार हैं या फिर अन्य जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, उनसे भी मुलाकात की जाएगी और तय समय सीमा के अंदर इस काम को पूरा करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ गुणवत्ता की बात की जाए या फिर अन्य जितने भी चीज़ों को लेकर बात यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की जाएगी। और तस्वीरें आपके सामने हैं उधम सिंह नगर से, जहाँ पर निर्माणाधीन एम्स हॉस्पिटल वहाँ पर जो है वो उसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जहाँ पर कि तमाम ठेकेदारों से और तमाम जो वहाँ पर काम कर रहे हैं लोग उनसे मिलने के लिए पुष्कर सिंह धामी उस एरिया का निरीक्षण करने के लिए उधम सिंह नगर पहुँचे हैं। बिल्कुल, और लाइव तस्वीरें हैं उधम सिंह नगर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि एम्स वहां पर जो जिसका कार्य चल रहा है, जो निर्माणाधीन है, उसका वहां पर निरीक्षण मुख्यमंत्री द्वारा खुद लिया जा रहा है, ताकि उसे समय समय पर देखा जाए, जाँचा जाए, वहाँ का जो स्थिति है उसका जायज़ा लिया जाए। और ये एम्स जो इतनी बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को वहाँ पर मिलेगी वो सही से मिल पाए, लोगों को उसकी कोई वहाँ पर जो कहीं ना कहीं कमी है वो एहसास ना हो, उसका पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा आगे रहते हैं। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है, जब भी उत्तराखंड के अंदर कोई भी समस्या होती है तो खुद मुख्यमंत्री स्थल पर पहुँचते हैं, मौके पर पहुँचते हैं और वहाँ का जायज़ा लेते हैं। तो लाइव तस्वीरें फिलहाल, उनके साथ और भी मंत्रीगण और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, और जो अधिकारी हैं वो उन्हें इस पूरे प्रोजेक्ट का आधार यानी इस पूरे प्रोजेक्ट का जो एक बेस है वो इस मैप के थ्रू समझाया जा रहा है, और जिसे हम नक्शा कहते हैं वो समझाया जा रहा है कि कैसे इस पूरे ढांचे को खड़ा किया जाएगा, इस ढांचे की एंट्री या प्रवेश कहां से रहेगा, इसका एग्ज़िट क्या रहेगा, या फिर इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी। ये तमाम चीज़ें इस मैप के ज़रिए वहाँ के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री खुद इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं हैं और स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को समर्पित करना सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, खास तौर पर उत्तराखंड जैसे इलाके में जहाँ पर लोग जो हैं वो गाँव के इलाकों में रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और उन तक आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं पहुँच पाती हैं। एक एम्स का निर्माण उधम सिंह नगर में किया गया है, जिससे ना सिर्फ उधम नगर के लोग वहां पर पहुंचेंगे बल्कि आसपास के लोग भी एम्स में आएंगे, वहां पर अपना इलाज करवाएंगे, और जो इनके लिए बेहद आसान भी होगा।
चलिए जरा आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएंगे, आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं और डोडा में अरविंद केजरीवाल की धन्यवाद रैली होने वाली है, क्योंकि डोडा के अंदर एक सीट आम आदमी पार्टी के नाम गई है विधानसभा चुनाव में, जहां पर यह आम आदमी पार्टी के लिए किसी जीत से कम नहीं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई भी सीट नहीं जीत पाई, जहां पर आम आदमी पार्टी ने पूरा दमखम लगाया, रैलियां की, लेकिन जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के लिए खाता खुलना बहुत बड़ी बात है। डोडा में अरविंद केजरीवाल की आज धन्यवाद रैली होगी और धन्यवाद रैली को अरविंद केजरीवाल भी संबोधित करने वाले। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से नतीजे जम्मू कश्मीर में निकल कर सामने आए, काफी चौंका देने वाले, जहां पर कि आम आदमी पार्टी के खाते में एक सीट उन्हें मिली है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से शीतल ने बताया कि पूरी ताकत के साथ हरियाणा में इलेक्शन कैंपेन किया गया, अलग अलग राजनेता वहां पर पहुंचे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई, मैनिफेस्टो को लेकर, तमाम नीतियों को लेकर बात की गई, लेकिन वहीं पर जहां पर जम्मू कश्मीर में ज्यादा एफर्ट्स ना दिखाते हुए आम आदमी पार्टी थोड़ी सी ठंडे बस्ते में नजर आई, बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तमाम रैलियां नजर आई, लेकिन वहीं पर एक सीट आम आदमी पार्टी की झोली में यहाँ पर आई है। महराज मलिक यहाँ से विधायक निकलकर सामने आए हैं और अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पहले दिल्ली में जनाधार बढ़ता नजर आया, फिर पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की बनी, अब जम्मू कश्मीर में एक सीट हासिल होना आम आदमी पार्टी को अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इन तमाम चीजों को लेकर पहले ये रैली प्रस्तावित थी 2 दिन पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, रैली का आयोजन नहीं किया जा रहा था, और अब आज एक रैली का आयोजन डोडा में देखने को मिलेगा, जहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल स्वयं यहाँ पर पहुंचेंगे, उसी के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी उनके साथ जो है इस रैली में शिरकत करेंगे। तमाम जो डोडा के लोग हैं उन्हें धन्यवाद किया जाएगा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी जीत है ये शीतल, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं देखी गई आम आदमी पार्टी की, ना कोई हमने इलेक्शन कैंपेन यहाँ पर देखी, ना काफी बड़े दावे यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी एक सीट उनकी झोली में आना अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। जिन चीजों को लेकर आज यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और साथ ही साथ पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी आज जम्मू कश्मीर के डोडा में पहुंच रहे हैं और एक धन्यवाद रैली को संबोधित किया जाएगा। बिल्कुल, और आज अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली के मॉडल की तर्ज पर भी यहाँ पर अपनी बातें रखेंगे, फ्री बिजली और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना, क्या ये तमाम बातें आज इस रैली में होंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वक्त सीधे डोडा से लाइव वसीम गट्टू हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, वो मौके से हैं जहाँ पर ये रैली होने वाली है, धन्यवाद रैली है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। जरा दिखाइएगा वसीम, वहाँ की तस्वीरें, किस तरह का दृश्य नजर आ रहा है? देखिए, मैं इस वक्त उसी ग्राउंड में हूँ, स्पोर्ट्स क्लब डोडा के अंदर, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से लोग जो है यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम सिक्योरिटी को लेकर बात करें, सिक्योरिटी चारों तरफ से हम देख रहे हैं कि तैनात कर दी गई है और उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पे पहुंची है। लोगों में जज्बा काफी देखा जा रहा है, अलग अलग दूर दूर इलाकों से लोग आए हैं, तो देखना होगा कि आज जो अरविंद केजरीवाल जी हैं किस तरह से लोगों से खिताब करेंगे। और पहली दफा यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के अंदर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एमएलए सीट है वो पहली दफा महराज मलिक ने जो है जीत हासिल यहाँ से की है। और जहाँ पे महराज के साथ आप देखते हैं कि आगे पीछे भी उनके साथ लोगों का जो काफिला रहता है, वो काफिला आपको जरूर आज स्पोर्ट्स में डोडा के अंदर देखा जाएगा। वहीं पे अगर हम दूर दराज इलाकों की बात करें, वहां से भी ये खबर मिल पा रही है कि महराज मलिक के साथ बहुत सारे लोग आने वाले यहाँ पे हैं, चाहे भरत बगला दुंदना या जहाँ के महराज मलिक रहने वाले हैं, वहां से भी वही बात सामने निकल के आ रही है कि महराज मलिक के साथ कई सारे लोग यहाँ पे आने वाले हैं। कुछ टाइम के बाद जरूर जो टाइम दिया गया है 2 बजे के करीब जो है अरविंद केजरीवाल जी जिला डोडा आएंगे और उसके बाद की तस्वीरें में आपको दिखाएंगे कि जिला डोडा के अंदर किस तरह से स्पोर्ट्स डोडा के अंदर लोग पहुंचे हुए। ऐसा लग रहा है कि जहां से खबरें सामने निकल के आ रही है, खचाखच स्पोर्ट्स डोडा जो है भरा हुआ जरूर नजर आएगा। जी वसीम, जानना चाहूंगी, पहले हमने देखा कि दिल्ली में सरकार बनी, फिर यहाँ पर पंजाब में भी सरकार आम आदमी पार्टी की बनी, अब जम्मू कश्मीर में भी जनाधार आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कोई भी एफर्ट्स आम आदमी पार्टी द्वारा नहीं किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी एक सीट उनकी झोली में आना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कुछ लगता है कि अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर आने से एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर में हो सकता है? किस तरीके से देखते हैं आप इन सभी चीजों को?
बिल्कुल शिपन, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आम आदमी पार्टी है उनका सिक्का यहाँ पे जम सकता है। आपने देखा कि महराज मलिक पहले डीडीसी थे, उसके बाद जो है ये चुनाव जब हुए, आज वो एमएलए हैं, तो जिस तरह से लोगों ने उनके हेल्प की, पैसा उनको दिया, साथ साथ में उन्होंने वोट भी लिया, लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट महराज मलिक को किया। आने वाले टाइम में जिस तरह से सरपंची इलेक्शन है, मुझे लगता है जिस तरह से महराज मलिक इलेक्शन जीतने के बाद अलग अलग दूर दराज इलाकों में गए जहां से उनको काफी ज्यादा वोट्स मिले, तो आज वो ऐसा लगता है जिस तरह से उनके बात करने का एक बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि आम आदमी पार्टी जहां अलग अलग एरियाज में पहुंच रही है, तो जिला डोडा से भी आप देखेंगे जब सरपंची इलेक्शन होंगे बहुत सारे लोग जो है मैदान में उतरेंगे, ऐसा लग रहा है कि उनकी जीत अलग अलग एरिया से होगी जो सरपंची सामने निकल के आएंगे। जी देखिए वसीम, जब भी अरविंद केजरीवाल कहीं किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं जिसका ऐलान किया जाता है, मुख्य चीज़ें होती हैं जिसमें मुफ्त बिजली है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है, शिक्षा को बेहतर बनाना है, इसमें कोई दोहराई नहीं। जहाँ भी जिस भी राज्य में गए हैं आप भी देखते आ रहे हैं, हम भी देखते आ रहे हैं कि इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है, क्या डोडा में भी ये तमाम बातें देखने को मिल सकती है, जिसके आधार पर जो आपने कहा कि पंचायती चुनाव में आम आदमी पार्टी खास तौर पर डोडा में प्रभावी रह सकती है, पंचायती चुनाव हो या फिर यूएलवी के चुनाव, क्या ये मुद्दे गिनाए जा सकते हैं आज? बिल्कुल, देखिए आज कुछ भी फैसला लिया जा सकता है, कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है, जहां पे पिछली सरकारें जो रह चुकी है, माफ कीजिएगा, पिछली सरकारों में आपने देखा होगा कि जब मैनिफेस्टो जारी किया जाता है उसमें वादे जरूर किए जाते थे, मगर जमीनी सतह पे जब इलेक्शन खत्म होते थे, इलेक्शन के बाद वो बात नहीं की जाती है जिस सरकार की भी जीत होती थी। मगर इस बार हम ये मान सकते हैं कि अगर जो मैनिफेस्टो इन्होंने दिया है, उस मैनिफेस्टो के जो जारी किया है इलेक्शन के दौरान, क्या उस पे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं या महराज मलिक ने जो वादे लोगों के साथ किए हैं, क्या जिला डोडा के अंदर जमीनी सतह पे वो चीजें की जाएंगी? कल देर रात हिंदुस्तान न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत इसी स्पोर्ट्स क्लब डोडा के अंदर महराज मलिक के साथ की थी, जहां पे उन्हें बताया था कि, मैंने ये पूछा था उनके कि क्या जो गुस्सा है आप में ये खत्म हो सकता है, उन्होंने ये कहा था कि गुस्सा जरूर खत्म होगा, मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है और लोगों को राहत मिल उनसे मिलनी चाहिए, जो काम जेन्युइन लोगों के होने चाहिए, और लोग जो है जिस तरह से पिछले टाइम आपने देखा तो मेडिकल कॉलेज पे काफी ज्यादा सवाल उठते थे, एडमिनिस्ट्रेशन सुर्खियों में रहती है, तो जरूर उन्होंने बताया कि निजाम को दुरुस्त करना हमारा काम है, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना हमारा काम है। देखना होगा कि महराज मलिक किस तरह से जमीनी सतह पे काम करते हैं, लोगों को किस तरह से राहत की सांस मिलती है, और मेडिकल कॉलेज का जो जहां तक सवाल है जो सुर्खियों में रहता है हर दिन, आप देखते हैं कि सवालों के घेरे में रहता है, तो देखना होगा क्या मेडिकल कॉलेज सुधरता है, आने वाला वक्त बताएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वसीम, ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। डोडा में अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में पहुंचेंगे, धन्यवाद रैली को संबोधित करेंगे, और देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर उसी तरीके की बातें करेंगे जो बाकी राज्य में होती है। संस्कृति यूथ फाउंडेशन ने सफाई अभियान चलाया है, दिल्ली के छठ घाट पर सफाई अभियान चलाया गया है, सफाई अभियान में सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया है। ये बड़ी अपडेट, नदियों को पवित्र रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये मनोज कुमार जैन ने कहा है। संस्कृत यूथ फाउंडेशन की तरफ से सफाई अभियान चलाया गया है और पूरे देश को संदेश पहुंचाने की ये कोशिश की जा रही है कि देखिए सफाई करिए और हमारे आसपास में सफाई होना बेहद ज्यादा जरूरी है। साफ सफाई होगी हमारा आसपास समाज साफ होगा, गंदगी नहीं होगी तो बीमारियां नहीं होंगी और हम बीमारियों से बचेंगे और खूबसूरती भी बनी रहेगी। ये तमाम चीज़ें हैं जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार पहल की है और उनकी पहल काफी हद तक पूरे देश और पूरी दुनिया में यह संदेश पहुंचा चुकी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली में इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर जो नदियां हैं, जो भी वाटर बॉडीज हैं, वो लगातार पॉल्यूट होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए कि आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार कुछ इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी नदी नाले दिल्ली में है और आसपास के ज्वाइनिंग एरियाज में है उनकी साफ सफाई सुनिश्चित हो सके। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।